हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनू। दोस्तों, आड़ जीवितम नाम का नया मलयालम फिल्म देखकर आ रहा हूं मैं थिएटर से। दोस्तों, देयर इज ओनली वन रीजन दैट यू नीड टू सी दिस फिल्म, ओनली वन सिंगुलर रीजन दैट यू नीड टू वॉच दिस फिल्म इन थिएटर, टू सी द आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस एक्टर कॉल्ड मिस्टर पृथ्वीराज सुकुमारन। आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस प्लैनेट परफॉर्मेंस दोस्तों, ऐसा परफॉर्मेंस जो आपको ताली मारने पे विवश कर देगा, ऐसा परफॉर्मेंस जो आपको खड़े होके बोलने पे मजबूर कर देगा कि भाई इसको कहते हैं मास्टर क्लास इन एक्टिंग। वो एक्टिंग परफॉर्मेंस करके दिखाया है पृथ्वीराज सुकुमार ने। दोस्तों, व्हाट एक्टिंग, इंदुर अफिनेम पृथ्वीराज है, इंदुर अफिनेम। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, द हेल्पलेसनेस दैट पृथ्वीराज शोकेसेस इन द फिल्म, द पेन दैट ही सफर्स इन दिस फिल्म, द एंग्विश दैट हिज कैरेक्टर गोज थ्रू इन दिस फिल्म, एवरीथिंग शोकेस्ड ऑन स्क्रीन विद एटमोस्ट प्रिसिशन, with so much of precision that you will feel the pain that Prithviraj is feeling at that time, you will feel the suffering that Prithviraj is feeling at that time, you will feel the torture that Prithviraj's body is feeling at that time, you will feel the helplessness that Prithviraj's character is going through at that time. Everything will translate via Prithviraj's performance from the screen into your heart, a performance that, you know, pierces into your heart and tugs at your heartstrings. That is the kind of performance that Prithviraj has delivered in this film. That is Prithviraj Sukumaran's performance. Dosto, abhi ke abhi award de do, national award de do, Oscar award de do. Prithviraj ke performance ko main abhi ke abhi dunga 5 out of 5, no doubt about it. Dosto, ye to baat hua Prithviraj ke performance ka. Lekin agar film ki main baat karu, dosto, film na mujhe, to be very honest, yaar, strictly average laga hai. इट्स स्ट्रिक्टली अ वन टाइम वॉच, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टोरी बहुत सारा चीजें मिस कर गया। नंबर वन, थ्रिल नहीं है स्टोरी में, एज ऑफ द सीट मोमेंट्स मिसिंग है स्टोरी में, एंड मोर इंपॉर्टेंटली पृथ्वीराज का जो फैमिली है, अमला पॉल एंड अदर्स, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है फिल्म में, एब्सोल्यूटली जीरो मैं कहूंगा यार। तो उनको नहीं दिखाया यार, तो ऐसा बहुत सारा चीजें मिस किया ये फिल्म, स्टोरी जिसके वजह से बहुत ही एवरेज निकला, स्टोरी बहुत सारी जगहों पर ड्रैग भी करता है, लेंथ बहुत लंबा है फिल्म यार, तो ये सारा एलिमेंट स्टोरी फिल्म को पुल डाउन करता है। बट देन दिस इज वन रेयर ओकेशन वेयर द एक्टर हैज रिजन अबव द स्क्रिप्ट, एंड दैट इज व्हाट पृथ्वीराज हैज डन विद हिज एक्टिंग परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ विच यू विल सिट थ्रू दोस 3 hours and watch the film just to see Prithviraj's performance. That is what Prithviraj does, dosto. But first, before we discuss all the other things about what the film is lacking and this and that, uske pehle Prithviraj ke jo performance ka jo detailing hai, wo main aapko deta hu. Sabse pehli baat to aap dekhoge starting mein when Prithviraj arrives, वो सऊदी में आया है, आप देखोगे इट्स अ यंग लुकिंग पृथ्वीराज, तो पृथ्वीराज दैट यू आर प्रोबेबली सीन इन 2016, 17, 18, 19, वो वाला फेस है, थोड़ा स्लाइटली चबी फेस है, स्लाइटली यंग फेस है। और उसके बाद जो सेकंड हाफ में आप जो पृथ्वीराज को देखोगे उसमें यू विल सी एन ओल्डर पृथ्वीराज, मतलब ये एक ऐसा फिल्म है जिसमें पृथ्वीराज एक्चुअली एज हुआ है, ओल्ड हुआ है। ब्रिलियंट पृथ्वीराज आई वुड से, नो डाउट अबाउट इट, ऑफकोर्स वो शूटिंग टाइमलाइन ड्यूरेशंस भी आपको देखना पड़ेगा, बट देन This is one film where Prithviraj can say कि actually वो age हुआ है करके, so you know according to the script, वैसे वो उनका physical transformation भी हुआ, body transformation, age transformation भी हुआ, that was very nice. Now when he arrives in Saudi, वो time पे कैसे वो trap होता है, कैसे वो helplessness, वो situation feel करता है, इनको English हिंदी नहीं आता है, English हिंदी Arabic बिल्कुल नहीं आता है पृथ्वीराज को, तो जब वो अरब्स आता है और वो अरबिक लैंग्वेज में उनसे संवाद करता है तो कैसे पृथ्वीराज को कुछ समझ में नहीं आता, वो टाइम पे जो हेल्पलेसनेस स्टेट है, अरे क्या डिस्प्ले किया पृथ्वीराज ने। और साथ में मैं कहूंगा दोस्तों, मैं जिस थिएटर में ये फिल्म देख रहा था वहां पे सबटाइटल्स नहीं था, तो वो जो भी अरब लोग बात कर रहे थे उनका जो अरबिक लैंग्वेज था वो सबटाइटल बीच बीच में आ रहा था, बीच बीच में जा रहा था, मतलब वो भी मलयालम सबटाइटल था, मैं मलयालम लैंग्वेज ज्यादा रीड नहीं कर पाता, so for me what the arabs were saying that was absolutely greek or that was arabic, I couldn't understand arabic. to matlab jo helplessness prithviraj feel kar raha tha as a viewer, I was also feeling that helplessness state, I was absolutely helpless, I couldn't understand the language, just like how prithviraj couldn't understand the language in the film, as a viewer I couldn't understand what the arabs were trying to say. to wo wala feeling jo prithviraj feel kar raha tha wo time pe, wo feeling main bhi feel kiya, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आप भी फील करोगे। दैट वाज वेरी नाइस दोस्तों, आई रियली एंजॉयड दैट टच, ऑल्दो यू नो आई वुड से 30% ऑफ द फिल्म इज इन अरबिक,
I couldn't understand a single word, so I felt the helplessness of Prithviraj as a viewer. Very nicely done. Dosto, uske baad Prithviraj ka jo initiation hota hai into this goat life, aad jeevidam mein kaise wo ghusta hai, kya hota hai, kya kuch karta hai, वहां पे जो अभिनयम करके दिखा, एक्टिंग करके दिखाया पृथ्वीराज ने, हाय 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 हाय, आप बोलोगे भाई इसको कहते हैं मास्टर क्लास। देयर इज अ सीन जहां पर पृथ्वीराज उनका कपड़े पूरा उतारता है, वो नंगा बदन लेके जाके एक टैप के नीचे ऐसे पानी में अपने आप को ड्रेंच करता है। दोस्तों उसको बोलते हैं एक्टिंग, आप देखो यार, आप देखो जब उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब रॉबिन्सन क्रूसो बनता है, दाढ़ी वाड़ी आता है, वहां पे आप उनका एक्टिंग देखो यार। या फिर उसके बाद दोस्तों जब वो एस्केप करता है, जो भी होता है डेजर्ट में, वो घूम रहा है, रेंग रहा है, तड़प रहा है, पृथ्वीराज गिरता है, उठता है, चलता है, गिरता है, उठता है, चलता है, उनके बदन में दर्द हो रहा है फिर भी चल रहा है, उनका पैर सूजा हुआ है फिर भी चल रहा है, उनको पानी नहीं मिल रहा है फिर भी चल रहा है, उनका गला सूख गया, होंठ सूख गया, बदन सूख गया, फिर भी चल रहा है। दैट इज व्हाट पृथ्वीराज हैज शोकेस्ड। वो जो फिजिकल एक्टिंग, फिजिकल एक्सर्शन जो दिखाया पृथ्वीराज ने, अरे बहुत डिफिकल्ट होता है दोस्तों। मतलब आप बोलोगे कि पृथ्वीराज ने जिया है वो कैरेक्टर को, कैसे किया है, क्या कुछ उन्होंने अंडरगो किया है, वो सिर्फ पृथ्वीराज को मालूम है। इसको कहते हैं मेथड एक्टिंग। वो मेथड और वो जो मैडनेस पृथ्वीराज ने दिखाया उनकी एक्टिंग में, भाई वाह, ब्रिलियंट, मैं क्या ही कहूं दोस्तों। एंड लास्ट में मैं बताऊंगा नहीं लास्ट में क्या होता है, एस्केप करता है कि नहीं करता है, बट लास्ट में जो अगेन जो अल्टीमेट फियर दिखाता है पृथ्वीराज, हियर इज दिस माचो मैन, ही हैड टू अंडू सो मच टू शोकेस दैट हेल्पलेसनेस। जो हेल्पलेसनेस दिखाता है पृथ्वीराज, यू विल फील फॉर हिज कैरेक्टर। मतलब ये ऐसा एक आदमी है जो एक्शन भी किया है, बट यहां पर कोई एक्शन का कोई स्कोप ही नहीं है, तो वो हेल्पलेसनेस, वो फियर, वो डीप फियर जो दिखाता है लास्ट क्लाइमैक्स में, ब्रिलियंट पृथ्वीराज। दोस्तों ये तो पृथ्वीराज का एक्टिंग हो गया जो 5 out of 5 है, बट फिल्म लाइक आई सेड बहुत सारा चीजें मिस किया, लाइक एज ऑफ द सीट मोमेंट्स रियली मिस किया यार। वो एज ऑफ द सीट मोमेंट्स जो आपको टेंटर हुक पे रखे, वो वाला मिसिंग था। व्हेन दे आर ट्राइंग टू एस्केप आल्सो, समवेयर डाउन द लाइन आई फेल्ट द एस्केप वाज वे टू इजी। वहां पर एज ऑफ द सीट मोमेंट्स हो सकता था जो थ्रिल ला सकता था यार, तो दैट थ्रिल वाज आल्सो मिसिंग। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, आमला पॉल और दूसरे लोगों को लेने का क्या फायदा हुआ, एक गाना दिया आमला पॉल को, दैट इज इट। आमला पॉल का और कोई यूटिलिटी है ही नहीं, और कोई है ही नहीं मतलब उनका काम धंधा फिल्म में। तो क्या होता है पृथ्वीराज का फैमिली किस तरह से हेल्पलेस स्टेट में है, क्या उन लोग कुछ करते हैं पृथ्वीराज से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए, अमला पॉल के साथ क्या कुछ होता है, वो कुछ दिखाया ही नहीं है यार। लास्ट में एक फोन कॉल आता है, बट देन दैट फोन कॉल आल्सो, वो सीन एकदम अब्रप्टली कट होता है यार, एंड होता है। तो ये सारा चीजें मिस किया मेरे हिसाब से स्टोरी में, ये सारा एलिमेंट्स होता अच्छे से तो सुपर्ब एक फिल्म बन सकता था। सो फिल्म वाइज आई थिंक आर जी विदम इज अ स्ट्रिक्टली एवरेज वॉच, बट पृथ्वीराज का परफॉर्मेंस इज Above average क्या? Above extraordinarily superb, extraordinary बोलते ना यार, वैसा वाला superb performance है। So film के लिए मैं दूंगा 2 to 2.5 stars, but for Prithviraj it's 5 out of 5। दोस्तों आपका टेक लिख कर बताना, अगर आपने आठ जीवेदम देखा तो आपको ये फिल्म कैसे लगा, let me know your take, and of course like, share and subscribe भी करना चैनल को, वीडियो को, and super thanks का ऑप्शन भी है, वो भी आप दे सकते हो। चलिए for the moment, टाटा।